उर्वशी जी इधर सेंटर में देखिए, उर्वशी जी एक आपको सामने देख रहे हैं यहां पर, बस सुनील इतना आगे है। ये बाबा अरे यार ये सरोज कैमरे में बोल, थैंक यू, चलो आगे बढ़ो। उर्वशी जी थैंक यू, चलो भाई आगे बढ़ो। दो यू हैव सो मेनी फैंस, यू नो वो चाहते होंगे कि आप अब क्या हो गया आराम से बाबा, चलो रोलिंग। थैंक यू, अरे क्या कर रहे हो यार, ऐप में हमें आप क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आपके कौन कौन से अंदाज हमें देखने को मिलेंगे? जी सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे आए पधारे। ये ऐप का रिक्वेस्ट जो है पिछले दो सालों से मेरे पास था कि आप आइए अपना एक ऐप क्रिएट करिए और आपके जो फैंस हैं उनसे और करीबी होने का मौका एक ऐप के ज़रिए होता है ऑफ कोर्स। बट आई फेल्ट कि एक करेक्ट टाइम होता है जब आप एक बिकॉज़ आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से करें। देर इज़ नो पॉइंट कि एक मैं ऐप क्रिएट कर लूँ उसके बाद आई एम नॉट एबल टू यू नो गिव एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट टू माई फैंस। हम जो भी हम सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक मी एज वेल, हम जो भी होते हैं सब अपने फैंस की वजह से होते हैं। तो अगर ये ऐप मैंने बनाया है तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट दिया जाए, वो एक और करीबी तरीके से और पास में आ जाएं और दे गेट टू सी द स्नीक पीक ऑफ माई लाइफ। उर्वशी जी, हमने देखा है इंडिया में इस तरह से कई सारे एक्टर ने लॉन्च किया लेकिन वो उस तरह से अपने ऐप को मेंटेन नहीं कर पाते, तो इस बात का कुछ प्रेशर है आपको या फिर आप मतलब किस तरह से आपकी ये जिम्मेदारी अब आप संभालने वाली है इसे? जी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आई मीन फैंस के साथ आई थिंक जितना आप रियल होते हैं, रियल द मोर नेचुरल यू आर, आई थिंक दैट्स बेस्ट। अभी इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो आइकॉन दिखेगा तो वो स्पेशली मैंने क्रिएट किया है। आई मीन ब्लैक एंड वाइट आर माई फेवरेट कलर्स, आई केप्ट इट वेरी बेसिक वेरी सिंपल। उसमें जो मैंने फोटोग्राफ नहीं डाला है उसमें आई जस्ट केप्ट इट वेरी स्टाइलिश बाई कीपिंग यू एंड आर लाइक यू उर्वशी आर राउटेला विद अ क्राउन ऑन इट। तो दैट इज़ वॉट माई सिग्नेचर इज़ और आई एम रियली हैप्पी विद द वे ये ऐप निकल के आई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी स्टाइलिश लग रही है और जैसे ही आप उस आइकॉन को प्रेस करेंगे उसके बाद जो पूरा नेम आता है तो उसमें एक ब्यूटीफुल तरीके से वी हैव क्रिएटेड दिस गर्ल स्टैंडिंग एंड इन प्लेस ऑफ आई। सो काफ़ी सारे मेरे इनपुट्स हैं ऐप में। आई जस्ट वॉन्ट माई फैंस और सारे के सारे जो भी फैंस हैं वो जो मेरा रियल सेल्फ है वो देखें और मेरी लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट वेलकम टू माई पर्सनल वर्ल्ड। जी
फैंस की बात करना चाहूँगा कि फैंस का क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं. फैंस का अगर कुछ फीडबैक अगर आप शेयर करना चाहें. या फैंस का फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वी स्टार्टेड काउंटडाउन 5 दिन पहले. सो वी वर लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक पोस्टिंग ऑन ऑल लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कि अभी 5 दिन के बाद सम सरप्राइज इज गोना कम. तो फैंस वर लाइक रियली क्यूरियस कि आज आखिरकार 5 दिन के बाद क्या होने वाला है. सो फाइनली दे गेट टू नो दैट आई हैव दिस माई ओन ऑफिशियल ऐप एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एज एक्साइटेड एज आई एम. हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का टू ऑल द गर्ल्स हु वॉन्ट्स टू जिनको मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड एक खिताब जीतना है तो इतना आसान नहीं होता है. जैसे एक ओलंपिक्स में खिलाड़ी अपनी तैयारी के साथ जाता है, उसी तरीके से मिस यूनिवर्स पैजेंट भी उसी के लिए माना जाता है. आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है और एक तरीके से खून पसीने बहाने पड़ते हैं. इट्स नॉट दैट ईजी. बेसिकली द गर्ल्स हुसोएवर जो भी मेरी इंस्पिरेशंस रही हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा और लाइक दे ऑल हैव बीन ब्यूटी क्वींस, और आप उन्हीं को देख करके आप पहचान सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता एज़ वेल, कि वो कितना ज़्यादा कितनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं बट उनका ऑल ओवर एक ऑरा ही अलग होता है. सो आई जस्ट वांट टू से कि ये कुछ ये काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन करनी होती है, इतना आसान नहीं होता है बट इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट. जी 2 साल लग गए मुझे ये सोचने में कि मुझे फाइनली आ जाना चाहिए ऐप में. जस्ट फॉर द पर्सनल टच. एक तो मुझे इतने सारे फैंस होते हैं तो पता नहीं रहता है कि मेरा नंबर वन फ़ैन कौन है. तो वो ऐप के थ्रू मैं जान सकती हूँ कि हु इज़ माई नंबर वन फ़ैन. और साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट भी होंगे ऐप में कि जो भी नंबर वन फ़ैन बनेगा उसको एक सुनहरा मौका मिलेगा टू पार्टी विद मी और टू ट्रैवल आउटसाइड अब्रॉड एंड लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव अदर मर्चेंडाइज. और सो या आई मीन वो सब स्पेशल चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में नहीं मिलती है. आई थिंक हमको आई थिंक एवरी सेलिब्रिटी एवरी एक्टर शुड हैव देयर ओन ऐप. और आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ बिकॉज मेरे फैंस जो भी वो ऐप ज्वाइन करेंगे आई थिंक दे वॉन्ट टू सी रियल मी. सो या आई मीन जो भी उसमें इनपुट्स डाले हैं या फिर जो भी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट मैं डालने वाली हूँ स्पेशली, तो वो आई नो दैट माई फैन बेस इज़ लाइक बिट यंगर एंड मेरी उम्र का है और मेरे से यंगर है एंड लाइक 18 to 24 बॉयज स्पेशली. सो तो आई नो लाइक वट काइंड ऑफ लाइक यू नो दे रियली वॉन्ट अ सी लाइक वट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई हैव and what all kind of workouts I do, what all kind of diets I follow, और जो भी मेरे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सब वो जानना चाहते हैं. सो आई फील कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से ये सोच समझ के बनाया गया है. एवरी सिंगल थिंग आई लव फैशन. I'm gonna give all my tips related to fashion, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, एंड एवरी सिंगल थिंग. ओके, क्या उर्वशी आप प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जो चीज़ें होंगी वो अपने ऐप पे आप अपडेट करेंगी? हाँ सॉरी, जो प्रोफेशनली हो ना, यू इफ यू साइनिंग सम फिल्म और यू कमिंग विद सम एल्बम, सब कुछ ऐप में आना हो आएगा और मैं खुद ही पोस्ट करूँगी. सो या जस्ट लॉग ऑन टू माई ऐप. मतलब मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा आपका? मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा. हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक फेयरनेस क्रीम्स आज से नहीं, कई सालों पुरानी चीज़ें हैं और जो कब से होती आ रही हैं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है. जो चाहता है यूज़ करना वो कर रहे हैं कभी कितने सालों से, और जो नहीं चाहता तो वो नहीं करते हैं.
वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है, ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं. और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो भी बाहर से आई हैं. बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू फाइट योर वे आउट. ओके, रिसेंटली एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में कंगना का मजाक उड़ाया गया नेपोटिज्म को लेके. वो कितना जस्टिफाई समझती हैं? लेट हर आंसर ना. हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट शी थिंक, शी इज वन ऑफ द लीडिंग स्टार इन द इंडस्ट्री एंड शी केम आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री. अबाउट कंगना? यस. At IFA? Yes. And you were there? No, I was in there. I was not there. So, मुझे actually पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया. Like nepotism को I think वो गलत बात है ऐसे. But I think वो मजाक serious नहीं होता है, because it's just for award functions and हर कोई अपने it's just for like it's a part of a script. Okay, आप कोई आप जी हाँ आ रहे हैं, बट मैं अभी बात नहीं कर सकती. किस तरह का होगा, आप हमें लास्ट क्वेश्चन हमें रोमांस करते हुए देखेंगे या एक्शन, क्योंकि आपके साथ बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं. किस अंदाज में हम उर्वशी जी को देखेंगे, तो कुछ अगर बताना चाहेंगे किस अंदाज में आप हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे? आप मुझे सभी अंदाज में देखेंगे स्क्रीन पे. उर्वशी, इसके अलावा हेल्दी स्टोरी 4 भी आ रहे हैं, हेट स्टोरी 4 के बारे में आप डायरेक्टर्स से ही पूछिए, फिल्म मेकर से. अच्छा उर्वशी जी, क्योंकि एक आखिरी सवाल, आई थिंक क्योंकि आप मिस इंडिया से आती हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी बायोपिक बन रही है. तो अगर आपको कहा जाए कि सुष्मिता एंड ऐश्वर्या जी की ऐसी कोई बायोपिक करने की, आप ऐसी आपकी तरफ से कोई ऐसी इच्छा रखती कि उनकी बायोपिक? ओ ब्यूटी क्वीन पे बायोपिक, ब्यूटी क्वीन पे ऑफ कोर्स. आई मीन बट आई डोंट थिंक सो. जो सुष और ऐश हैं वो लाइक सुष्मिता मैम और ऐश्वर्या मैम, वो खुद चाहते होंगे कि उनकी अभी इस पॉइंट पे बायोपिक बने? आई डोंट थिंक सो. वो अभी चाहती होंगी, मे बी लेटर इन लाइफ दे वुड वॉन्ट कि उनकी एक बायोपिक बने, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी तो यंग है. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सो मच. जी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड हूँ कि फाइनली मेरा ऑफिशियल ऐप आ रहा है. मुझे इस ऐप का ऑफर पिछले 2 साल से था, बट आई वॉज जस्ट लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग कि बिकॉज आई डोंट वॉन्टेड कि मैं अपने फैंस को जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको एक ऐसी चीज़ दूँ जो आई एम नॉट श्योर अबाउट. बट अभी मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मुझे क्या कॉन्टेंट देना है. आई रियली डू अंडरस्टैंड कि मेरा फ़ैन जो बेस है वो जनरली यंगर लॉट का है, मेरी उम्र का, और मेरे से जो छोटे हैं, यंगर ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो लोग मुझे फॉलो करते हैं. सो आई नो एंड आई थिंक दैट दिस वॉज द राइट टाइम, आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च एन ऐप. तो इसी कारण मैं ऐप के साथ आई. जी इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि लाइक ये एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टच होगा मेरे फैंस के साथ, और दूसरी बात यह है कि आई विल गेट टू नो हु माय नंबर वन फैन इज, और जो भी नंबर वन फैन होगा उसके उसको एक मिलेगा सुनहरा मौका टू पार्टी विद मी और टू ट्रैवल अब्रॉड. जी इस ऐप में मेरी पूरा दिल गेट टू सी द वर्ल्ड ऑफ उर्वशी राउटेला एंड फिल्ड विद ऑल द टिप्स रिलेटेड टू माई फिटनेस, और हर एक चीज़ मिलेगी उनको मेरे ऐप में. नो नॉट एट ऑल. आई थिंक बीइंग इन डिजिटल एज आई डोंट थिंक सो कि हमें बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ होता है, इट्स ऑल वन थिंग राइट नाउ. सो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती ऐसे. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक मौका है अपने फैंस के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का और एक पर्सनली उनसे बातचीत करने का. तो मैं कहीं से इस ऐप के बारे में आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी बुराई है. तो इस
ऐप से आने से क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करना होता है फैंस को, उनके सामने हमेशा अटैच रहना पड़ता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अरे फिट फिट अपने आप को फिट बना कर रखना है, यहाँ जाना है, ब्यूटीफुल दिखना है, बहुत ही सुंदर दिखना है, इस तरह की चीज़ें करना है, अपने आप को फिट बना कर रखना है, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं? नहीं जी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है, इट्स जस्ट लाइक जैसे मैं हूँ, लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि मैं स्पेशल कुछ करेंगे इस ऐप के वीडियो ब्रॉडकास्ट लाइव के लिए, कुछ भी, लाइक आई एम जस्ट लाइक हे जस्ट ब्रिंग इट ऑन कैमरा, चलो हम शूट करते हैं घर पे, इस पे, यहाँ पे, वहाँ पे, सो आई एम जस्ट लाइक नेचुरल एंड सिंपल। आज की आज अब क्या दिखाने वाले हैं, क्या कुछ होने जी? आज टुडे वाज द फर्स्ट डे, तो आज बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग दिन था, तो अब द जर्नी बिगिंस नाउ। फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि आप जाइए ऐप स्टोर में अपने iOS और एंड्रॉयड फ़ोन्स में और डाउनलोड करिए उर्वशी राउटेला ऑफिशियल ऐप।